नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। 2021 में उम्मीद है कि खेलों के मैदान गुलजार रहेंगे और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद रहेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं 2021 में होने वाली खेलों की गतिविधियों पर। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के साथ बचे हुए दो टेस्ट मैच खेलने के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ खेलना है। जी हां, फरवरी के महीने में भारत इंग्लैंड की मेजबानी करेगी। कोरोना काल में ये पहला मौका होगा जब भारत किसी टीम को होस्ट करने वाला है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज, 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दुनिया की दो ताकतवर टीमें आपस में भिड़ेंगी। 5 फरवरी से ये दौरा शुरू होने वाला है। इसके बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे मैच भी खेलने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत में आईपीएल आयोजन होता है, तो आईपीएल का 14वां सीजन फिर खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 1.5 महीने से भी अधिक समय तक चलेगा। फिर जून में इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। अगर टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाती है तो फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेलेगी। इससे भारत का विदेशी दौरा भी शुरू हो जाएगा, जिसमें उसे श्रीलंका में 3 T20 मैच खेलने हैं। फिर अगस्त से लेकर सितंबर तक भारत को इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसी दौरान एशिया कप भी खेला जाएगा, जिसका शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। साथ ही कोहली की टीम अक्टूबर में 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की मेजबानी करेगी। इसके बाद भारतीय सरजमी पर ही T20 विश्व कप खेला जाना है। अगले ही महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ अपने ही घर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। फिर 3 टेस्ट और 3 T20 मैच खेलने के लिए टीम इंडिया साल के अंत में साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी। ये तो हो गया क्रिकेट की बात, पर इसी साल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि ओलंपिक भी होना है। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जापान में ओलंपिक आयोजन किया जाएगा। ये 2021 का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और दुनिया भर के खेल प्रेमी ओलंपिक का जमकर आनंद उठाने वाले हैं। बाकी उम्मीद करेंगे कि टेनिस में 4 स्लैम खेले जाएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच, विंबलडन या फिर यूएस ओपन। चूंकि कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 में विंबलडन नहीं खेला गया था। तो खेलों के धुरंधर दिखाएंगे अपना जलवा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत कीजिए साल 2021 का।